ती कहम देखो माफिया मुसलमान ने को माफिया रहे और एको क्रिमिनल रहे आ बात जब धर्म के आब रहल छै त तो... आदित राणा के एनकाउंटर भेल रहे ओकरा इनकाउंटर ओक कह जे हिंदू है तो चलते मार देल गेले विकास दुबे के एनकाउंटर भेल रहे अशोक साहू के भेल रहे तो करा हम सब कह सब हिंदू रहे मार देल गेले आ उत्तर प्रदेश में हां देखबे कम से कम हजारों एनकाउंटर या 100 एनकाउंटर भेल हेतु और में से खाली 51 गो मुस्लिम त बाकी कोन हम सब सिख ईसाई के काट रहल है उत्तर प्रदेश के सरकार अति अहमद खुदे कन्फेस के हूँ लस्करे तैयारिस्तान के आई आई एस आई के साथ हर कनेक्शन रहे जाके साथ हमारा इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट अथी हो बंदूक सब असला बारूद इोज इम्पोर्ट करते रहती है पंजाब से कश्मीर से फिर पंजाब पंजाब से फिर नॉर्मल सत्रह साल के रहे उ, बाद उनका पर चांद बाबा जी उनका के मर्डर के केस लागल लाई के बाद ए एम पी ओ बनल रह पाँच बार सपा के तरफ से उनके बाद राजू सौ से अधिक केस रहे ऊपर मर्डर के एक्सटॉर्शन के किडनैपिंग के आते जमीन हर पर अतीक अहमद हत्या कांड लगभग पंद्रह दिन पहले ये हत्या भेल छल आ जा पर जनता से राजनीति शिकायत भी बवाल कल सही मायने से देखी तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रशासन से ला सरकार तक उठै लेकिन आ, सब अपना अपना तरफ से राजनीति अपना तरह से सब सवाल सब जवाब के कला जनता अपन सवाल करे लेकिन अखन हमारे साथ एक छ्रा कि मध्यम वर्गीय से बिलोंग करे एगो छोट मोट प्राइवेट स्कूल में पढ़े लेकिन इंटेलिजेंट वेरी इंटेलिजेन्ट बच्चा के कहल अखन हम अतिक अहमद हत्याकांड लाई बच्चा साथ हम चर्चा करब जो बच्चा हमारा ऑफ कैमरा में बच्चा अ पर कहल हैत्ये निक लागल तो हम सोचल समझ दर्शक के हिंसर जो विचार से समझ दर्शक के सामने हम दी और अह विचार के, के केना देख रहा है मात्र सेवेन सेवेन्थ ऐट के बच्चा ऐट में पढ़े आ दिव्या कुमारी नाम है परिचय एक बार अख से दुबुआ नाम दिव्या कुमारी है हम कक्षा आठ में पढ़े हमारे उम्र लगभग तेरह साल है ऑफ कैमरा में हम बात कल हैं दिमग के दिमाग के जे हम आकलन हैं वेरी इंटेलिजेंट कहल जाए लेकिन आ, जे हम सब अतिक अहमद हत्याकांड पर चर्चा हैं अतिक अहमद हत्या अं की आ, जाने हैं पहले सबसे सब पहले पूछब अतिक अहमद के अंत केना जाने अतीक अहमद एगो नॉर्मल जे इंसान रहे रहना ही चलत। लेकिन उनका पर सबसे सब पहला केस उन्नीस सौ अस्सी में मर्डर के सत्र उनकर उम्र केवल एगो सत्रह साल के रहे। बाद उनका पर चांद बाबा जो हरों के मर्डर के केस लागल छे। और बाद वो ओ बनल रहथिन पांच बार सपा के तरफ से उनके बाद उनका राजू सौ से अधिक केस रहे उनका ऊपर मर्डर के एक्सटोर्शन के किडनैपिंग के जमीन आ जमीन हड़प के उसके बाद उनका पर जे रहे अभी हाल ही में जिनका जिला उनका सलाखों के पीछा डाल मकसद अथी केस रहे उमेश पाल के हत्या अतिक अहमद के कोनो संगठन से ताल्लुक छै अ जाने देखियो अति गहमत खुदे कन्फेस के हर लस्करे तैय्बा पाकिस्तान के आई आई एस आई के साथ हर कनेक्शन रहे के साथ उनका इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेड जी हो अगर के, के बंदूक सब असला बारूद सब इम्पोर्ट करते रहती पंजाब से कश्मीर से फिर पंजाब पंजाब से फिर नॉर्मल लोकल्स के हाथ से एनाउंसमेंट कैने रहतीन जो इम्पोर्ट करे हथियार के हाँ वो कन्फेस के हमारे आई एस आई लस्करे तैय्बा के साथ मेल मिलाव अच्छा एक अतिक अहमद के जे आ, हत्या भेले, जे एक मेडिकल जांच के लिए पूरे सुरक्षा के संग ला गया हालांकि अहू के देख रहा न्यूज अ देखल या सब जनता सब जाने जान अतिक अहमद की ओकर छैर ओकरा मेडिकल जांच के लिए लॉ जाए और पूरा सुरक्षा के बीच में ओकरा जे हत्या कैल गए अका एक छात्र अं कोन रूप में देख रहल छी एगो छात्र के रूप में रूप से जन कि देख लियो जना लॉ कि अगर कोई आदमी हमें सरेंडर कह रहा है पर फायर नहीं क्योंकि अगर अगर न्यूज़ देखने में तो के पता है कि दस सेकंड में तकरीबन बाईस गोली चलाल है तो में जत मीडिया रिपोर्टर्स रहते न्यूज और तो सुरक्षा रहे पुलिस के सुरक्षा क्या अगर हूं पर कुछ हे तो डायरेक्ट पुलिस पर सवाल आई जे तो पुलिस दस सेकंड में हाँ जखन बचाव कराए पीछा हटलख तखन ही सारा कांड कांडा पकड़ लगे तखन खुद ब खुद बखुद सरेन्डर कल आ बहुत पार्टी के में इहो कहना है जे अथी हा गोली की मार देल गेले, ने मारि दिल गई नहीं मारि दिल गए हा पास जे बंदूक रहे के पता जे टर्कि छः 8 लाख के बीच में मिले तो ओ बंदूक कत से ले कतल की मकसद रहे मरल किन मरलखिल के भेजने रहे ई सब जे जांच करला जिंदा रहना है बहुत जरूरी है और सरेंडर पहली बात तो सरेंडर खुद करत रतिन त ए में पुलिस के इने रहे जे पुलिस वगरम गोली मार दे जे अति कामद के हत्या भेले इ निक भेलै या खराब भेलै जे ओ जे आ, जे टाइप के हत्या केने छला जे जुर्म में ओ जेल छला कते जेना तस्कर सब साथ संगठन के साथ ओका मेल मिलाप छले हथियार के इंपोर्ट करे छला ओ सब मामला के देखे तो ओकरा हत्या होबा चाहिए ओकरा फांसी देल जाए या हत्या भेले तो गोली ने मारल जते या कोर्ट से ओकरा कानून हत्या देते फांसी देते अहा के की लाग रहल के की विचार देखियो बुरा के साथ हमेशा सा जरूर बुरा हो बात बहुत अच्छा सवाल है कि वहीं पर कथी देखियो अगर कानून सजा देवे के रहते हैं तो पाँच साल वो विधायक बनने वो पहले दो देते। लेकिन अभी जो योगी सरकार है माफिया सब के मिट्टी में मिला तो पता है अ लॉ एंड ऑर्डर से देव के चाहिए देश एगो लोकतांत्रिक देश है संविधान है अपना देश में लेकिन सब पीर जनता में दू तरह के सवाल है जे जनता कनी बहकावे में आ जाए पार्टीसंत्र के अथी है देश के लिए खतरा है लेकिन जो हर पीड़ित रहती से कैसे हर बस मृत्यु भाई से आ, य, हाँ बात जरूर है हाँ कोर्ट से सवाल देवे के चाहिए लेकिन इो नहीं हा जान बूझ के अब कल्कि तीनू अपराधी के जेल में राखल या से सवाल जवाब हेतर सच तो सबके सामने जरूर हेतक आप केना देख रही चूंकि अब पढ़ि अब बेहतर जानि सकते कानूनी रूप में हत्या नहीं होगा चाहिए वही टाइप के लिखी सुरक्षा पूरा छै तहन हत्या कल कानूनी रूप में भले से गलत भले आ सुरक्षा पर बहुत सवाल उठ उठा तीन ना एल या मीडिया कर्मी को, 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 फिर के का फिर केना डायरेक्ट होन का थी को अदलगे ले सुरक्षा पर तो सवाल उठ रहा है जबकि पुलिस को पर जे पुलिस छे ओकरो सबसे सब, इस सब के बाद सवाल जवाब हिते आ लेकिन जब भेलिया से तो गलत भेलिया सिक्योरिटी लेकिन युवा हाँ के देखा पोरत जो जत्थे कांड भेले से पूरा पूरी दस सेकंड में आ दस सेकंड में जते कर्मी रहे सुरक्षा सबके सुरक्षा करते तब पुलिस जखन पीछा हटल के तखन अथी से कह सकते पुलिस से के पूरा नाकामी है नालायकी ना पुलिस के लेकिन पुलिस अपना सुरक्षा देखते। सामने वो गोली तो देखते हैं गोली चलिए तो हथियार के से तुरंत वह इनकाउंटर होगा चाहिए सुरक्षाकर्मी तरफ से प्रशासन के तरफ से जो नहीं कल गैला खुद सरेंडर कलक आ तरबा पूछताछ के लिए वहां रखना बहुत जरूरी है आखिर कत मिल नहीं चे, वो कर, हिस्ट्री की है लेकिन अंक लगे सवाल उठ सक अगर हत्या के तुरंत प्रशासन के इन्काउंटर करवा चाहिए सै तो बात है ना सिर्फ हथियारा नहीं रहे जत बात कर जब मीडिया रिपोर्टर्स जत्ते रहे सुरक्षा अथी रहेंगे क्या कि एगो अपराधी के गोली निकले तो निकलते मान लीजिए एनकाउंटर नहीं करते पैर पर तो गोली मार सके सक पैर पर हाँ सवाल बहुत है सह तो कांड जत से दस में भले आम अगर जत वीडियो दे, देखने हेबे तो हमें लगते है कहीं अंधेरा है पूरा अरातरी मच सब अपन जान के तो पुलिस जो है एगो अपराधी अगर गोली चलाइए तो नहीं तय कर पड़े निर्दोष के लगते या दोषी के लेकिन अगर पुलिस के हाथ अगर ककरो निर्दोषी के लागे जैसे तो फिर कटघरा में खड़ा होब पड़ते तक की अगे अ के चाहिए अब पुलिस के बड़ा पदवी पर छे जत दस सेकंड में तो जत बचा लग गए फिर जखने पर अथी करेेंडर कल सरेंडर कर इनकाउंटर छी आतिक अहमद एकटा माफिया छले बहुत अं चुकी विद्यार्थी क्या क भविष्य जा में राजनीति में जा छी अफसर बनी सब पर भविष्य टिकल ई माफिया छले आत आतिक अहमद ओकरा एकटा समुदाय से जुड़ छै है सब केना छै कहल जा रहल छै एकटा मुसलमान तैं एक जा या आकरा हत्या कैल गै हालांकि ओ माफिया छै ओकरा सलाखा में राखल रहल देखिए देखियो जना लोग आतंकवाद के कोनो मत या मजहब नहीं होना कह सकते अथी कहमत एगो माफिया मुसलमान एगो माफिया रहे एगो क्रिमिनल रहे, एको रहे. आ बात जब धर्म के आ रहल है त तो, आदित्य राणा के एनकाउंटर भेल रहे ओकरा तो हम सब कह दिए हिंदू है ही चलते मारि दिल गए विकास दुबे के एनकाउंटर भेल रहे अशोक साहू के भेल रहे तो हम सब कह दिए हिंदू रहे तो चलते मार दिल गए आ उत्तर प्रदेश में अं हाँ देखे कम से कम हजारों इनकाउंटर या सौ इनकाउंटर से खाली इक्यावने गो मुस्लिम है बाकी कौन हम सब सिख ईसाई के काट रही है उत्तर प्रदेश के सरकार तो एक देखियो राजनीति तो हर चीज में करके के अहू में विपक्ष जी है से पूरा जोर लगेते लगे जू करके एक अथी करूँ मुसलमान से जोड़ू मुसलमान से जोड़ू लेकिन जबकि मुसलमान से वो एगो माफिया रहे अंकि नहीं कह सकते हैं मुसलमान रहे तह चलते मार दिल गए हिंदू नहीं रहे ता चलते अगर एना बात है तखन तो बहुसंख्यक में हिंदू है आई कोनो कांड हेतै हेतु तो में सबसे सहित सब हिंदुओं जखन हिंदू के ज्यादा अथी है संख्या में हिंदू है हिंदुओं मरते हाँ, केना कह सकते हैं अति एक तरफ आतंकवाद के कोत या मजहब नहीं हो दूसरी तरफ अंतर अति क्या मत मुसलमान रहे तखन के अगर वो मुसलमान रहे तो मुसलमानों के साथ तो उत्वेह जुम के जत अ मुस्लिम के साथ के कत हिंदू के साथ के आतंकवादी माफिया अगर क्यों बन ले तो जाति मजहब से कोनो ताल्लुक नहीं है वो एक मात्र माफिया है गुंडा आतंकवाद हाँ वो एक मात्र एगो गुंडा चे, माफिया आतंकवाद ओकरा कोनो धर्म से जोड़ना बहुत अथी है गलत बात है ये एक मात्र तेरह साल बचिया के विचार छल अतिक अहमद के हत्या पर अतको सवाल उठै और एक बच्चा अपन मत दिले अपन विचार दिले बहुत निक विचार समस्त दर्शक से कहब विचार के केना देख रहा विचार के कतेक सपोर्ट कर कहते हैं वो कमेंट्स के थ्रू अब बताबी और हम कह सकते चैलेंज चे, ही देची, जो कोनो को सवाल नहीं जे जो सवाल के तेरह साल के मात्र बचिया जवाब नहीं दक अगर किनको सवाल कोनो करक को हुए हिनका से जवाब अब जानी तो जरूर करी ताकि हम वो सवाल हिनका से करब आ समस्त अ बच्चा के सपोर्ट करियो अ बच्चा के कतेक माइंड तेज जे एक एक न्यूज से अपडेट जे कक्षा आठ में पढ़े पढ़ते स्कूल ट्यूशन करती बच्चा हर एक न्यूज से अपडेट रह